सांसद किरण खेर ने इस अवसर पर बोलते हुए बताया कि 20 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश से एक बड़ा जनसमूह एकत्रित होगा और उसमें चाइनीज और अन्य विदेशी सामान का बहिष्कार करने का फैसला लिया जाएगा और लोगों को स्वदेशी अपनाने की शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहद जरूरी है कि सब स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। इससे ही देश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सोच है कि अपने उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और ये तभी हो सकता है जब सब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। किरण खेर ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से अपने देश की कला भी जीवित रहती है और कारीगरों को रोजगार भी प्राप्त होगा। देखिए, मैं सरकार का हिस्सा हूँ तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि स्वदेशी पहनिए, स्वदेशी यूज कीजिए। हमारे लोगों को रोजगार मिलती है, हमारे लोगों को जॉब्स मिलते हैं, हमारी जो कला है इस देश की वो जीवित रहती है। नहीं तो ऐसा ऐसा आप लोग प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी, कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले खत्म हो रहे हैं, जो हमारे कढ़ाई करते हैं इतनी खूबसूरत वो खत्म हो रहे हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं वो खत्म हो रहे हैं। हर चीज़ का मोल्ड बना के उसमें मिट्टी की मूर्तियां घर लाइए ताकि आपकी सृष्टि के साथ जुड़िए, अपने देश के साथ जुड़िए। मैं किसी को ये नहीं कहती कि ये मत खरीदिए वो मत खरीदिए, हाँ ये ज़रूर कहती हूँ कि स्वदेशी खरीदिए।